बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रही श्रीदेवी जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन बॉलीवुड की इस हसीना ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। श्रीदेवी के अचानक से ऐसे चले जाने से ना सिर्फ बॉलीवुड हैरान था बल्कि आम दर्शकों को भी गहरा धक्का लगा था। साल 2018 में परिवार में हुई एक शादी में शामिल होने के लिए श्रीदेवी दुबई गई थी, जहाँ होटल के बाथरूम में उन्होंने दम तोड़ दिया था। श्रीदेवी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए देश विदेश से लोग आए थे। बॉलीवुड की चांदनी को गए हुए आज पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके करीबियों और परिवार को बहुत दुख है। ऐसी कुछ बातें हैं श्रीदेवी जी को लेकर जो आज भी उलझी हुई हैं। करीबियों ने श्रीदेवी की जिंदगी को जिस तरह बयां किया है उससे तो यही समझ आता है कि वो कई बार मायूस रही, उन पर सदा ही अपेक्षाओं का बोझ रहा होगा। बेहद खूबसूरत टॉप एक्ट्रेस होने के बावजूद श्रीदेवी की जिंदगी कहीं ना कहीं गुमसी थी। जितना वो चाहती थी वो उन्हें नसीब नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 29 बार सर्जरी करवाने वाली श्रीदेवी जी की निजी जिंदगी कई तमाम उपेक्षी किस्मों से भरी थी, चाहे वो उनका प्यार हो या फिर माता पिता का साथ या फिर मौत, उन सभी में वो कहीं ना कहीं उलझी रह गई। अगर बात की जाए उनके पिता की तो वो एक वकील होने के साथ साथ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे, मगर श्रीदेवी की मां की वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। अपनी मां की बदौलत ही फिल्म इंडस्ट्री में आई। श्रीदेवी की मृत्यु के बाद राम गोपाल वर्मा ने लिखा था कि श्रीदेवी के पिता की मौत के बाद वो बिल्कुल कंगाल हो चुकी थी। उस समय उनकी मां काफी बीमार रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक चीज थी जो उन्हें बहुत परेशान कर रही थी और वो थी उनकी माँ की बीमारी। माँ की बीमारी बढ़ती गई और वो काफी परेशान रहने लगी, क्योंकि फिल्मी करियर को बनाने में उनकी माँ का काफी हाथ था। वो श्रीदेवी की फिल्मों के साइन करने में भी खूब मदद करती थी। श्रीदेवी जी ने 300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं में काम किया। वो हर किरदार में नजर आई। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें बहुत कामयाबी मिली, लेकिन वो अपनी जिंदगी से हार गई। श्रीदेवी अंत में सभी के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह छोड़कर चली गई। उनकी मौत दुबई में बड़े ही अजीब तरीके से हुई। दुबई में वो एक शादी में शरीक होने के लिए पहुंची थी। किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो इस कदर अपने परिवार से दूर जाकर अंतिम सांसें लेंगी। श्रीदेवी जी के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो इस कदर दुनिया को अलविदा कह देंगी। InstaFeed.